नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित लोक बंधु श्रीराज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ नवीन डी गौड़ पर, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर योगा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान बनाते हुए लोक बंधु अस्पताल सहित लखनऊ का नाम रोशन किया है। उन्होंने भी हाल में 1000 बार सूर्य नमस्कार कर यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। लोक बंधु श्रीराज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत 27 वर्षीय नवीन डी गौड़ आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर योगाचार्य पंडित नवीन के नाम से जाने जाते हैं। मूल रूप से लखनऊ के दुबग्गा रोड बुद्धेश्वर के निवासी योगाचार्य पंडित नवीन को बचपन से ही योगासनों के प्रति गहरी रुचि थी। वह अपने पिता दिवाकर गौड़ को अपना गुरु मानते हैं। योगाचार्य पंडित नवीन के पिता सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में टेक्नीशियन वर्कशॉप में सेवानिवृत्त हैं। उनकी माता अनीता गौड़ गृहिणी हैं। पंडित नवीन अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। उन्होंने नर्सिंग में बीएससी करने के बाद वर्ष 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय में योगा से मास्टर डिग्री हासिल की। आज वह लोक बंधु अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्य करते हुए योगा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्य पंडित नवीन लोक बंधु से नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर कार्यरत हूँ। मुझे बचपन से ही योग क्षेत्र में बहुत ही रुचि रही और बहुत सारे विद्यालय विश्वविद्यालयों में मैंने योग कराया। बचपन से योग क्षेत्र में रुचि होने के कारण हमारे माता पिता थे, हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने हमें योग की शिक्षा दीक्षा दी और जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और बचपन से हम जो है एक बहुत छोटे पायदान से कहा जाए कि जैसे गरीब तबके के लोगों को योग कराते थे, झोपड़पट्टियों में हम बच्चों को भी योग के प्रति जागरूक करते थे। धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ता चला गया और आज जो है योग के क्षेत्र में मैं जो कीर्तिमान बनाया हूँ। इसके अतिरिक्त योग में हमारे पिताजी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते थे और योग में हम ये चाहते हैं कि योग केवल एक आम जन तक सीमित ना रहे, जबकि हमारा पूरा समाज और पूरा राष्ट्र हमारा जो है योग से लाभान्वित हो। और जो नशा और जो हमारे युवा भाई बहन जो नशे की जो है शिकार हो रहे हैं, नशे में लुप्त हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचें, योग को अपनाएं, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, दिनचर्या में अपने शामिल करें ताकि आने वाले समय में रोग और बीमारियों से बच सकें और एक सकारात्मक ऊर्जा से एक स्वस्थ भारत का, स्वस्थ साम्राज्य का निर्माण कर सकें। योगाचार्य पंडित नवीन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे। अपने अध्ययन काल में वह योगासनों को लेकर अपने विद्यालय द्वारा कई बार पुरस्कृत किए गए। जब वह कक्षा 9 में थे तब लखनऊ में आयोजित जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में वह प्रथम आए थे। विगत 10 अगस्त वर्ष 2021 में उन्होंने लोक बंधु श्रीराज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी ज्वाइन की और कई बार लोक बंधु अस्पताल को गौरव का क्षण महसूस कराया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों के दिशा निर्देशन में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित तरीके से जरूरी एवं उपयोगी योगासनों का कार्य शुरू किया, जो महिलाओं के सुरक्षित प्रसव में बड़ा सहायक साबित हुआ। इसके लिए अस्पताल द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। योगा के क्षेत्र में वर्ष 2023 में जहां उन्हें शेरे हिंद अवार्ड से नेशनल एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कृत किया गया, वहीं उन्हें वर्ष 2024 में नई दिल्ली स्थित लाजपत भवन के ऑडिटोरियम में योग रत्न से नवाजा गया। अभी हाल में उन्होंने लगातार 1000 बार सूर्य नमस्कार कर यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सभी को चौंका दिया। इस उपलब्धि के बाद लोक बंधु अस्पताल के निदेशक सुरेश चंद्र कौशल ने उन्हें जोरदार ढंग से सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। सर, आपके यहाँ हॉस्पिटल में पंडित नवीन जी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और
योग के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया है, सर क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, स्टाफ नर्स नवीन हमारे यहाँ पर 2021 से कार्यरत हैं और ये हमेशा ही अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं और साथ ही साथ योग के प्रति इनका विशेष लगाव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, उस दिन भी हम सभी लोग चिकित्सालय के सारे अधिकारी कर्मचारी सारे डॉक्टर्स आपके ही निर्देशन में आपके ही ट्रेनिंग जो देते हैं आप उसमें हम लोग योग करते हैं और जिससे सभी हमारे अधिकारी और सारे स्टाफ सभी को बहुत लाभ मिला है। साथ ही साथ आपके द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको भी योग का प्रशिक्षण दिया जाता है और वे भी बहुत लाभान्वित हुई हैं। स्टाफ नर्स नवीन को हम सभी की बहुत शुभकामनाएं और उनके इस जो उनको ये विशेष ख्याति मिली है, उनको ये विशेष प्रशस्त मिले है, इससे हमारे अस्पताल का भी बहुत नाम हुआ है, नाम हमारा हॉस्पिटल का नाम रोशन हुआ है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। योगाचार्य पंडित नवीन अस्पताल में भी मरीज को योगासनों के प्रति जागरूक करते रहते हैं। उनकी उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट जो उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। वह योग के माध्यम से सभी को निरोग रहने का मूल मंत्र देते हैं। वह पतंजलि योगपीठ में लखनऊ के युवा प्रभारी हैं और अस्पताल से समय मिलते ही क्षेत्र में योग के प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, महर्षि पतंजलि ने जो है अष्टांग योग जो बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें जो है कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम हैं जिनको करके हम लाइलाज बीमारियों पर भी विजय पा सकते हैं। और आजकल जो बीमारियां हैं जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापे की समस्या है और उससे अदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर की समस्या लोगों में जो आम हो गई है या जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे समय में क्या है कि आप कुछ आसन करके, जैसे आप सर्वाइकल का जो है आपको दिक्कत है तो आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से फोर्स करें, है ना, सिर का हाथ की तरफ, हाथ का सिर की तरफ, और ये अभ्यास इस तरीके से करके जो है आप नेचुरली जो है 5 से 6 दिन में इस अभ्यास को करके सर्वाइकल पर जो है कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि शुगर का कंट्रोल रखें। दूसरी बात यह है मंडुकासन, मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और मोटापे में सबसे बढ़िया है आपका सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और त्रिकोणासन, कटिचक्रासन, इन सारे आसन के अभ्यास से आप मोटापे पर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, बिल्कुल हेल्दी रहें, आपके भीतर हमेशा एनर्जी का संचार रहे, तो आप प्राणायाम को विशेष तौर पर अपनाएं। प्राणायाम करने से हमारे भीतर फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है जिससे बाकी सभी अंगों को जो है हमें बल प्रदान होता है और हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा स्टेमिना है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो प्राणायाम से बढ़ता है। प्रतिभा के धनी योगाचार्य पंडित नवीन अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशल एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित को वह अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अभी विगत 14, 15, 16 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में उन्हें बतौर जज के रूप में आमंत्रित किया गया था। उत्तराखंड से लौटकर आने के बाद हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने योगाचार्य पंडित नवीन से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम राजधानी लखनऊ के ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराना चाहते हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया आयाम स्थापित किया है। नाम है पंडित नवीन, योगाचार्य हैं जो कि लोक बंधु हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। योगाचार्य पंडित नवीन जी हमारे साथ हैं, आपका सी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे कुछ जानकारियां साझा करना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में आप नौकरी भी कर रहे हैं, लोगों को योग की शिक्षा भी दे रहे हैं और नए नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं योग को लेकर?
सर, योग को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही, चूंकि योग क्षेत्र में मेरी रुचि थी, माता पिता के मार्गदर्शन में मैंने कार्य किया और पिताजी हमें जो है योग की प्रेरणा देते थे। बचपन से ही वो हमको आसन प्राणायाम कराते रहते थे। तो इससे जो समय कितनी उम्र रही होगी जब आपके दिमाग में आया होगा कि योग बहुत अच्छी चीज है, योग के महत्व को आपने समझने का प्रयास किया होगा? सर, महज वही 3-4 साल के हम रहे होंगे, बहुत छोटे थे तभी जो है, तभी वो हमेशा हमको नए नए आसन प्राणायाम और योग की टिप्स देते रहते थे। तो बचपन से ही पता नहीं क्या हुआ, हमारे अंदर एक योग के प्रति जैसा जुनून और उत्साह सजागृत हुआ और योग मैंने खुद करके फिर धीरे धीरे आम तौर पर आम पब्लिक को भी मैं योग कराने लगा और योग के प्रति लोगों को जागरूक करने लगा। बताया जाता है कि बचपन में आपके भीतर योग को, योग के प्रचार प्रसार हेतु इतनी उत्सुकता थी, इतनी तत्परता थी कि आप पंपलेट छपवा कर गली गली दौड़ते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, योग के प्रति इतनी जागरूकता थी, जब मैं किसी संगठन से भी नहीं जुड़ा था, मैं खुद पंपलेट छपवा के गली गली ऐसे साउंड ऐसे टांग लेता था हाथों कंधे पर और ऐसे प्रचार माइक से करते हुए लोगों को सुबह जगाता था, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे और योग के प्रति जागरूक करता था। इस तरीके से गली मोहल्ले नुक्कड़ और जो भी हमारी एज ग्रुप के लोग थे और जो भी आसपास मोहल्ले के थे उनको मैं जागरूक करता था, लोगों को प्रेरित करता था सुबह जागने के लिए और प्रातः जल्दी योग करने के लिए। नवीन जी, अपनी शिक्षा के बारे में अवगत कराएं। जी, मैंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री योग से एमए किया हुआ है और बीएससी नर्सिंग मैंने किया हुआ है भालचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस से और आज मैं जो है यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लोक बंधु हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आपने बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं, पहला रिकॉर्ड क्या रहा आपका? आपको लगा कि जैसे समाज के लोगों को लगा कि आप जैसे व्यक्ति इतने ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं? जी, मुझे लॉयंस ऑफ हिंद जो शेर हिंद पुरस्कार जो है वो मुझे प्राप्त हुआ। किस वर्ष में? हमें अभी 2023 में जो है शेर हिंद पुरस्कार से नवाजा गया था। जी जी, उसके बाद? उसके बाद हमें जो है दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में योग रत्न पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था। जी, अभी आप लौटे हैं उत्तराखंड से, क्या चल रहा था उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जो है योगासन फेडरेशन जो भारत, जो हमारे जो भारत सरकार की जो खेलो इंडिया जो चल रहा है उसके अंतर्गत स्टेट लेवल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें एज ए मुख्य अतिथि जज के रूप में हमें आमंत्रित किया गया था। कैसा लगा इस अनुभव को लेकर? उत्तराखंड जो देवभूमि नगरी है वहाँ पर एक तो बड़ा अच्छा लगा और वहाँ का जो हमें जो जज की भूमिका दी गई थी तो बड़ा निर्णय लेने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लोगों से, बच्चों से बातचीत करने का मौका मिला, बच्चों को मैंने जागरूक किया, योग के प्रति लोगों की रुचि कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बच्चों को जागरूक किया। और रही गुड़ बात, उसको तो आप अभी बताए ही नहीं और जो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, पंडित नवीन जी एक ऐसे योगाचार्य हैं जो यूएसए वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना चुके हैं और इन्होंने सूर्य नमस्कार 1000 बार किया है जो आज एक कीर्तिमान स्थापित है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नवीन जी? जी, हमको पहले लग रहा था कि मैं जो है शायद ऐसा ना कर पाऊँ लेकिन मैं लगातार अनवरत अभ्यास करता था, डेली जो है 100 करके, फिर 200 करके, फिर 300 करके, 400, इस तरह धीरे धीरे बढ़ाता गया और एक दिन वो आया जो हमने लगातार 1000 जो है एक बार में 1000 सूर्य नमस्कार करके ये कीर्तिमान स्थापित किया। आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। किस वर्ष में यह अवार्ड मिला था? अभी ये 2024 में हमें अवार्ड मिला था। तो आप हैं पंडित नवीन जी जो कि योगाचार्य हैं और योग के प्रति इनका जुनून, यूं कहूं कि इनकी दीवानगी इतनी चरम पर है कि जन जन तक योग के महत्व को पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, सभी को निरोग रखने का संकल्प लेकर अपना कारवां आगे बढ़ा रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।